उत्तराखंड के नैनीताल में उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी नगर के एक निजी होटल में आयोजित विधानसभा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने खटीमा नगर पहुंचे, जहां एकत्र कार्यकर्ताओं ने जोशी का भव्य स्वागत किया। जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विजय होने की तैयारी के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आने वाले 20 दिनों तक सभी कार्यकर्ताओं को कमर कस कर अपने अपने क्षेत्र में पार्टी एवं उसकी नीतियों का प्रचार प्रसार करना है। कार्यक्रम के उपरांत प्रकाश जोशी ने नगर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कार्यालय का विधि विधान से शुभारंभ किया। इस अवसर पर खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, नानक मत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, संजीव आर्य, नगर अध्यक्ष रवीश भटनागर, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद चंद आदि वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शानदार हमारा कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस परिवार पूरा एकजुट होकर आज उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और इस पूरे चुनाव की जिम्मेदारी हमने संभाल ली है। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे कांग्रेस परिवार के एक एक कार्यकर्ता प्रकाश जोशी बनकर उन कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर चुनाव को लड़ाएगा और भारी बहुमत से जीतेंगे। और 5 साल से जो असफल उदासीन सांसद यहाँ सांसद के रूप में काम कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं, जनता के अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे, जिन्होंने अपने सांसद निधि का 40% भी उपयोग नहीं कर पाए पूरा, जिन्होंने उनके रक्षा राज्य मंत्री आते अग्नि जी जैसी योजनाएँ आई, उनको इस बार सांसद को हटाने का मन सब जनता ने बना दिया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।